भाई अभियान जारी है। आज देखिए काशी विश्वनाथ चौक की गली है, किस तरीके से प्रचार अभियान है वो ये तेजी से सर इधर की तरफ सर लाइट होता है बहुत थोड़ा हाथ की सकता है। आईडी आ रहा है इसका आईडिया इनका तोड़ दिए मार्ग ला के तोड़ दिए आप सब लोग एक बार जरूर बिल्कुल बिल्कुल हाँ बात नहीं बताओ हम आराम से पीयूष आपको समझ आएगा कि हम लोग कुछ नया लेकर आए हैं। विकास की बात हो तो अच्छी बात है, मंदिर मस्जिद को अलावा अगर गलियों के विकास की बात होती, गांवों के विकास की बात होती तो मैं मानता हूं कि पार्टी को और देश को फायदा होता। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। आइए हम विकास की बात करते हैं, जिस गलियों में हम जा रहे हैं वहाँ विकास है या नहीं, आपको भी इस बात को गौर करना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर राजनीति करती है। जिस तरह योगी जी इस बार कह रहा है कि 2022 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा ये क्या आपका विचार है? आधी तो बीजेपी साफ हो रही है, अभी पंजाब होगा, उत्तर प्रदेश होगा, गोवा, उत्तराखंड आप देखिए। और मैं मानता हूँ कि आप भी जानते हैं कि समझते भी है कि 5 साल में योगी जी ने क्या किया है, आप भी साथ दीजिए इस देश को बचाने के काम में। रेल भर्ती को लेकर कई नौजवानों में नाराजगी है, सालों से मेहनत की है, मेहनत करके परीक्षा दी है, लेकिन रिजल्ट की बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकार आनाकानी करती है। नौजवान कहता है कि हमने पढ़ लिख कर मेहनत की है तो हमें रोजगार मिलना चाहिए, और इसी बात को लेकर सरकारी भर्ती हो या रेल भर्ती हो उसमें नौजवानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और इलाहाबाद में किसानों के साथ और नौजवानों के साथ जो हालत हुई है उस पर मैं मानता हूँ कि सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। आपको इलाहाबाद छात्रों से आप मिलने जा रहे थे, वहाँ रोका गया, उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार
युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि युवाओं को एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जब तक युवा बोलेगा नहीं तब तक वो जीतेगा नहीं। आज आप गांधी समाज के साथ जनसंपर्क करने जा रहे हैं, आखिर आप कांग्रेस की स्थिति को किस पूर्वांचल में देख रहे हैं? पिछले 3 साल के भीतर हमने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनहित में जो भी कार्य किए हैं, हमें भी भरोसा है कि जनता हमें प्यार देगी और आने वाले दिनों में अच्छा काम होगा। मोदी जी का विकास देखने जा रहे हैं, मेरे साथ चलिए। देखिए मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या हम सब जानते हैं, आप मेरे साथ चलिए, जिस गलियों में हम जाएंगे वहाँ विकास की परिभाषा को हम समझ पाएंगे। आते हैं वहाँ ये भी चाहते हैं कि यहाँ स्वच्छता अच्छी हो, लेकिन नरेंद्र भाई सिर्फ बहानेबाजी दिखावा और लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। और आज हम कई साथियों से मिले भी और अभी दोपहर के बाद भी मिलने वाले हैं। हमारा यही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में जो शासन लगातार यहाँ के लोगों को दुखी कर रहा है उनके खिलाफ एक बड़ी आवाज़ उठाई जाए और लोग सरकार के खिलाफ बोले। देखिए मैं कल रात से आया हूँ। स्मार्ट सिटी का मतलब हम सब लोग जानते हैं क्या होता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ शहरी वालों के वोट लिए जाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ चलिए स्मार्ट सिटी बनाइए, लोगों को अच्छी सुविधा दीजिए, लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट विलेज का भी बात होना चाहिए। मैं कई गांव में कल रात को गया हूँ इलाहाबाद के आसपास, वहाँ के गांवों की स्थिति बहुत ख़राब भी थी। ये जो पेगासस का मामला है न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है पेगासस को लेकर के, आप किस तरीके से? अरे हम तो पहले से बोलते थे, आप लोग नहीं मानते थे। हम तो पहले से कहते थे कि पेगासस सॉफ्टवेयर के नाम पर हम लोगों की जासूसी की जा रही है। और ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो आया 2017 के नवंबर के आसपास लिया गया था, और आपको ये ताजुब होगा कि दिसंबर में गुजरात चुनाव था, गुजरात चुनाव में भी बड़ा उपयोग हुआ क्योंकि हमारा आंदोलन भी वहाँ पीक टाइम पे था। तो मेरा ये मानना है कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उससे आपके मोबाइल की जांच हो रही है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपने बेडरूम की भी जांच करेंगे ये लोग। अकबरुद्दीन ने कहा है कि फिलीपींस की सहमति के लिए, इसराइल की सहमति के लिए भारत ने रक्षा सौदे में किया था। नहीं नहीं नहीं, हम लोगों की जासूसी कर सरकार के खिलाफ हम लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं उसको कैसे दबाया जाए, इसीलिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। और सुप्रीम कोर्ट में क्यों जवाब नहीं दिया था? तो देखा गया कि पुलिस आपके पास आई थी, आप लोग वो तो आती रही थी, 5 साल से आती रही थी। हम मोदी और अमित शाह की पुलिस से लड़ चुके, तो योगी की पुलिस के दो सिंह वाली है। अभी मथुरा में एक मंत्री के प्रस्तावक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, अब आप लोगों को बोलना है, आप लोगों के सामने है कानून व्यवस्था। क्या लगता है बीजेपी 300 प्लस जाने का वादा कर रही है, संभव हो पाएगा? कहाँ जाना है 300 प्लस? ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। शिव ममरा है कि खा लेंगे, जनता वोट करेगी, जनता तय करेगी ना कि हमें किसके साथ रहना है। अपने समाज के लोगों के बीच किस तरह का रिस्पॉन्स? लोग अच्छे हैं, यहाँ सालों से यहाँ पर रहते, समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। मैं तो इतना कहने आया हूँ कि नरेंद्र भाई की उम्र 75 साल है, हमें आने वाले दिनों में एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो आने वाले 20-25 साल तक इस देश के लिए अच्छा बना सके। बस यही सब बात करने के लिए, ही समझाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और गुजरात की देखिए, गुजरात की स्थिति बहुत ख़राब है। सिर्फ गुजरात के विकास मॉडल के नाम पर लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। आइए आप गुजरात में देखिए क्या स्थिति है। योगी ये बताइए कि सहारनपुर में कल जो डोर टू डोर कैंपेनिंग था बीजेपी का, वहाँ पे गृह मंत्री रहते हैं, इतनी भीड़ होती है, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार उनकी ये नहीं करेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।